नमस्कार किसान भाइयों, किन्नू की खेती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे फाइटोफथोरा फंगस के बारे में। जो भी किसान भाई, चाहे वो किन्नू, माल्टा, संतरा, मौसमी, नींबू, रेड माल्टा, डेजी और बहुत सारी वैरायटी है, नींबू की भी वैरायटी है, रफ लेमन, जो भी है, वो फाइटोफथोरा से भलीभांति परिचित होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यह बीमारी हमारे बाग को डिक्लाइन करने के लिए मुख्य कारण जो है वह यह फाइटोफथोरा फंगस ही है। मैंने फाइटोफथोरा को दो वीडियोस में जो है डाला है। फर्स्ट वीडियो जो आज की हम देखने वाले हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कारण है फाइटोफथोरा का जो आने का हमारे बाग में, कितनी तरीके का फाइटोफथोरा हमारे बाग में आता है, और साथ में हम ये डिफरेंशिएशन कर सकेंगे कि वाकई वो न्यूट्रिएंट की वजह से कमी है या हम फाइटोफथोरा के लिए जो भी इंसेक्टिसाइड या फंजिसाइड यूज़ कर रहे हैं वो हमें करने चाहिए। साथ ही इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। यहाँ पर कुछ, जैसे अगर अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें तो डॉक्टर साहब लोग हैं जो वो बताते हैं कि पानी के कारण जो है फाइटोफथोरा जल्दी आता है, ज़्यादा पानी ना लगाएं, तो उसका कारण क्या है वो भी हम इस वीडियो में एंड में जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं। फाइटोफथोरा एक सोयल बोर्न फंगस है। सोयल बोर्न का मतलब जो फंगस अपनी लाइफ साइकिल, चाहे वो स्पोरेंजिया बनाना है, ज़ूस्पोर्स है, ये जितनी भी लाइफ साइकिल है वो अगर सोयल में कंप्लीट करती है तो उसको बेसिकली जनरली सोयल बोर्न बोल देते हैं। फाइटोफथोरा एक सोयल बोर्न फंगस है। सब ट्रॉपिकल रीजन, मतलब कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जहाँ सर्दियाँ और गर्मियाँ दोनों ही रहती है, उसे सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। मेनली तीन तरीके की जो है फाइटोफथोरा की स्पीशीज मिलती है। स्पीशीज मतलब प्रजाति, निकोटिनी, सिट्रिफथोरा और पल्मिवोरा। जो निकोटिनी वाली स्पीशीज है फाइटोफथोरा की, वो मेनली सोयल के अंदर रूट्स के थ्रू ही ग्यूमोसिस या रूट रोट पैदा करती है, और जो सिट्रिफथोरा फसल है, फंगस है, स्पीशीज है, वो जो है सोयल से ऊपर वाला एरिया जितना भी है, जो हमारे प्लांट है, लीव्स है, वो ज़्यादातर ब्राउन रोट ऑफ फ्रूट को इन्फेक्ट करती है। किसान भाइयों, इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं पूरा लेक्चर देना चाहूँ तो 2 से 3 घंटे फाइटोफथोरा पे लगते हैं, लेकिन मैंने उनमें कुछ पॉइंट जो बेसिकली चूज़ कर आपके सामने रखे हैं, हम यहाँ पर वही फ़ोटोज़ और वही पॉइंट ही डिस्कस करेंगे, ताकि आपको सुपरफिशली अंदाज़ा हो जाए कि फाइटोफथोरा क्या है और इसके जो रेमेडीज़ हैं वो क्या है। फाइटोफथोरा फंगस को निकोटिने की हम यहाँ बात करेंगे पूरे लेक्चर में, क्योंकि हमारे एरिया में फाइटोफथोरा निकोटिने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा है, क्योंकि अपना एरिया जो है सब ट्रॉपिकल रीजन है। तो उसको मैंने फाइटोफथोरा को 4 भागों में विभाजित कर दिया है। पहला है डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ का मतलब है जो हमारी सीडलिंग उगते ही, मतलब जर्मिनेट होते ही, जो रोट हो जाती है, गल जाती है, स्टेम गल जाती है, और जो हमारी रूट्स गल जाती है उसको डैम्पिंग बोलते हैं। तो मैंने यहाँ जो है इसमें स्लाइड में यही बताया है, जैसे नव अंकुरित अंकुरों को प्रभावित कर सकता है। जो न्यूली जर्मिनेशन सीड है, जो हमारा रूट स्टॉक की बात कर रहे हैं हम, रूट स्टॉक और सीजन दो हैं। रूट स्टॉक का मतलब, जैसे पौधा बनाने के लिए हम जो रूट स्टॉक खट्टी इस्तेमाल करते हैं, वो उसको रूट स्टॉक बोलते हैं। तो जैसे ही, मतलब हम खट्टी अपने जो नर्सरी से लेते हैं, तो वो डालते ही वो जो रूट्स निकलती है, अगर वो ख़राब हो जाती है तो वो फाइटोफथोरा निकोटिने का एग्जांपल हो सकता है। जब खट्टी को या हम रूट स्टॉक को अपने उसमें लगाते हैं, और जो मिट्टी की, ये मिट्टी की लेयर है और ये खट्टी हमने इंट्रोड्यूस कर दी है, जो ये वाला एरिया है सोयल के साथ वाला एरिया है, यहाँ से जो है फाइटोफथोरा एंटर करती है उसमें। अगर हमारा जो मॉइस्चर है सोयल का, और जो हमारा टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का, सोयल का टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अनुकूल है उसके लिए, तो ये पौधे में संक्रमित जल्दी से हो जाती है और ये उसको पौधे को इनिशियल स्टेज पे ही किल कर देती है। जैसे ही हमने, मान लीजिए कुछ सीड से हमने जो सिट्रस का, जहाँ हमें बाद में बडिंग के थ्रू उसको जो करना है, आगे प्रोसेस करना है, अगर सीड से जैसे ही, जैसे लीव हमारी बाहर आने होती है, और उसी टाइम अगर वो फंगस उसमें ऑलरेडी मौजूद है, तो वो फर्स्ट लीफ या सेकंड लीफ नहीं निकाल पाएगी। अगर फर्स्ट लीफ हमारी निकल जाती है तो फाइटोफथोरा अपने आप ही किल हो जाता है। इसका मतलब ये है, प्लांट के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम है, कि वो फर्स्ट लीफ आने के बाद इतना अपना प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है जो फाइटोफथोरा को किल कर देता है।
ये है हमारी फर्स्ट डैम्पिंग ऑफ फाइटोफथोरा की निशानी। सेकंड की बात करते हैं रूट फूट रोट और गुमोसिस की, जो क्या है, छोटी छोटी दरारें हमारे सीजन में पड़ जाती है। सीजन का मतलब ये है, जैसे ये प्लांट, ये हमारी सोयल है, ये खट्टी है और इसके ऊपर जो हमने ग्राफ्ट लगाना है उसको हम सीजन बोलते हैं। ये देखिए, जैसे ये ग्राफ्ट लगाना है इसको सीजन बोलते हैं। अगर इन्फेक्शन हमारा सीजन पे हो जाती है तो उसको फूट रोट और गमोसिस भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है, घाव धीरे धीरे पेड़ को घेरते हुए तने की परिधि के चारों तरफ, इसके चारों तरफ यहाँ फैल जाता है और उसको जो है पोला कर देता है। और इससे क्या है, ये हम पता लगा सकते हैं भी जो हमारी न्यू ग्रोथ है, मतलब जैसे 6 महीने का प्लांट लेके आए हैं हम और इस तरह की बात है, तो हमें 6 महीने बाद ही प्लांट में पता लग जाएगा कि इसमें फाइटोपथोरा है कि नहीं है। तो इसका जो है अंततः क्या है कि पौधा मर जाता है, क्यों, जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती है मेच्योर प्लांट में और जो डिक्लाइन की तरफ आ जाता है। जैसे मैंने इस एग्जांपल में आपको दिखाया है, ये फर्स्ट फोटो के अंदर, ये जो यहाँ पर बड फॉर्मेशन के बाद जो सीज़न है इसके अंदर फाइटोपथोरा लग चुका है और ये ऑलमोस्ट अब घेरा बना के, जैसे इसमें है गम भी निकलने स्टार्ट हो गया है और चारों तरफ ये एक गिडलिंग करके, मतलब अगर इसको हम छाल को हल्के हाथों से भी छेड़ना चाहेंगे तो जितना भी गम इसने फाइटोपथोरा ने प्रोड्यूस किया है वो ऊज आउट हो जाएगा और प्लांट जो है डिक्लाइन हो जाएगा। अब ये जो थर्ड मैंने दिखा रखा है, ये 4 साल का प्लांट है, जिसके अंदर अब आप देखिए जो लीव्स है उसकी वेंस है, मतलब नाड़ी जो है वो पीली पड़ जाती है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं और फुट की तरफ हम जो प्लांट के देख सकते हैं कि यहाँ गूंद निकलना स्टार्ट हो गया है। तो इसका मतलब ये फाइटोफथोरा से ग्रसित है। धीरे धीरे क्या है, फाइटोफथोरा से प्लांट एकदम से किल कभी नहीं होता, ये एक प्रोसेस है जो 6 महीने, साल, 2 साल, जितनी प्लांट की इम्यूनिटी है सस्टेन करने की वो करता है और लास्ट में प्लांट जो है दम तोड़ देता है, क्योंकि उसका इन्फेस्टेशन रेट फाइटोपथोरा का बहुत ज़्यादा हो जाता है। और थर्ड है फाइब्रस रूट रोट। क्या है, कई बार जैसे अब मैंने दो का डिस्कस किया, एक तो डैम्पिंग ऑफ, इसका मतलब कि जैसे ही सीडलिंग होगी हमारी और जो जैसे ही ग्रो किया उसने और स्टेम और रूट दोनों हमारा जो है ख़राब हो गया, जो हमारी नर्सरी की कंडीशन है उसको डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं। सेकंड जो हमने पहले डिस्कस किया वो फूट रोट या गुमोसिस है, गूंद निकलने की बीमारी, जो हमारे इनिशियल 3 साल, 4 साल के पौधे 5 साल में भी होती है, कई कई में 10 साल, 15 साल में भी जो ओजिंग आउट है गूंद का हो जाता है। तो वो है फाइब्रस रूट जो है हमारे प्लांट के, जैसे अब ड्रिप इरीगेशन की हम अगर बात करते हैं तो प्लांट के आसपास की जो जितनी कैनोपी है उस पर फाइब्रस रूट होती है। फाइब्रस का मतलब जो फाइबर जैसे बहुत पतली रूट्स, उसके अंदर जब जो है अपना फाइटोपथोरा की इन्फेस्टेशन ज़्यादा हो जाती है तो उसको फाइब्रस रूट रोट बोलते हैं। रूट कॉर्टेक्स को संक्रमित करता है फाइटोपथोरा। अब किसान भाइयों, रूट कॉर्टेक्स क्या है, जैसे ये हमारा पेड़ है, पेड़ का ये हमारा ट्रंक समझ लीजिए, इसकी बाहर वाली लेयर है उसको बार्क बोलते हैं, बार्क का मतलब छाल, जो उसकी अंदर वाली लेयर है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। वो कोटेक्स कहाँ तक होगी, वो एंडोडर्मिस तक होगी। आप समझ पा रहे हैं कि जैसे ये बाहर वाली जो लेयर है वो एपिडर्मिस होती है प्लांट की, जिसको हम जब वो सेल डेड हो जाते हैं तो बार्क या छाल भी कह सकते हैं। अंदर वाला जो नरम पार्ट है उसको कोटेक्स बोलते हैं और उससे अंदर वाला पार्ट है वो जो एपिडर्मिस जो लेयर है सेल की, कोशिका की, उससे घिरी होती है उसको एंडोडर्मिस बोलते हैं। तो ये जो कोटेक्स वाला जो पार्ट है बीच वाला, ये मैंने यहाँ दिखा रखा है आपको एक, उसमें इस कोटेक्स वाले पार्ट में जो है फाइटोपथोरा लगता है हमारा। कोटेक्स में लगने के बाद कोटेक्स जो है वो नरम हो जाता है, उसके अंदर पानी जो है भर जाता है और रेशेदार रूप से जो रूट्स के अंदर दिखाई देता है। तो जो आप नई रेशेदार जो जड़ें होती हैं वो अपनी उस फाइबरस जो, मतलब जो फाइबरस रूट है वो हमारी इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती और जो इन्फेस्टेशन पीरियड फूट रोट का ज़्यादा होता है, फाइटोपथोरा का ज़्यादा होता है, वो नई रूट आने से पहले ही इतना इन्फेस्टेशन बढ़ जाता है कि वो हमारी रूट्स को ऑलरेडी किल कर देता है। अगर क्या है कि फाइटोपथोरा हमारे किसी प्लांट में लगा है तो जो अपटेक है प्लांट का वो बंद हो जाता है, जो इजेंशियल जो पानी है जो प्लांट को ट्रांसपीरेशन के लिए चाहिए या मिनरल्स जो है वो जो प्लांट को चाहिए वो उसको मिल नहीं पाते और अल्टीमेटली क्या है, हमारा प्लांट डेड हो जाता है। ब्राउन रोट ऑफ जो फ्रूट है वो जो फाइटोपथोरा मैंने आपको बताया कि सिट्रिपथोरा है,
या पल्मी बोरा है वो ब्राउन रोट फ्रूट के अंदर भी देखा जा सकता है। क्या है कि जब फाइटोफथोरा हमारे उसको इन्फेक्ट करता है रूट्स से ऊपर, सोयल लाइन से ऊपर, सीजन पे जब आ जाता है और बारिश के कारण, या हम पानी की स्प्रे करते हैं और जो गम निकलता है, जो गम होता है उससे निकलने वाला, वो क्या है, पानी में घुलनशील होता है। वो जैसे ही पानी में घुलेगा वो नीचे ज़मीन पे गिर जाएगा, मतलब जो फाइटोफथोरा है वो हमारी ज़मीन पे लग गया। और बारिश आने के बाद जो हमारे फ्रूट्स ज़मीन से लगे हुए हैं या जो पास में हैं, तो उन पे भी फाइटोफथोरा लग सकता है, उसको ब्राउन रोट ऑफ कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि जो विश्वविद्यालय के, यूनिवर्सिटीज़ के जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो आपको सलाह देते हैं कि कम से कम जो है अपना इरिगेशन मेंटेन रखिए, मतलब फ्रिक्वेंट इरिगेशन ना करिए, नमी रखनी है हमें। ये नहीं कि 10 दिन पहले हमने फ्लड इरिगेशन किया है तो दोबारा जो है 10 दिन के बाद अगर पानी हमें मिल रहा है फ्री तो हम दोबारा लगा दें, उससे फाइटोफथोरा बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसका कारण ये है, सोयल का मॉइस्चर, सोयल का टेक्सचर, सैचुरेटेड सोयल। क्या है किसान भाइयों, मान लीजिए अपना जो सोयल है वो क्ले वाली सोयल है जिसमें पक्की ज़मीन ज़्यादा है जो पानी कम पीती है, अगर 18 घंटे तक उसमें पानी खड़ा रहेगा या 20 घंटे तक या 15 घंटे तक पानी खड़ा रहेगा, तो क्या है, ऑक्सीजन जो हमारी रूट्स को चाहिए वो मिल नहीं पाएगी क्योंकि उसमें एरेशन स्पेस ही नहीं है। सोयल का स्ट्रक्चर क्या है, सोयल में मॉइस्चर मेंटेन हमने करना है, सोयल्स को इतना वेट नहीं करना है हमें ताकि जो फाइटोफथोरा के और जू स्पोर्स है वो उसमें जर्मिनेट कर पाए। अब ये जू स्पोर्स क्या है, जू स्पोर्स आप सिंपल ये ले लीजिए, जैसे ह्यूमन बीइंग है, हम हैं, मेल है, मेल जैसे स्पर्म प्रोड्यूस करता है रिप्रोडक्टिव स्टेज को कंप्लीट करने के लिए, वैसे ही फंगस स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, उसे जू स्पोर्स भी कहते हैं। वो कई तरीके के होते हैं, उसको क्लेमाइडिया स्पोर्स भी कहते हैं, वो स्पोर्स भी कहते हैं। जब फेवरेबल जो है टेम्परेचर और फेवरेबल कंडीशंस में वो आता है तो वो ग्रो करते हैं और हमारे प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। तो जो साइंटिस्ट हैं वो इसीलिए ये बात कहते हैं कि कम से कम हमें जो इरिगेशन है एट अ टाइम फ्रिक्वेंटली नहीं करना चाहिए, गैप रहना चाहिए, क्योंकि सोइल मॉइस्चर हमने मेंटेन करना है। ज़्यादा पानी हमारे प्लांट को फाइटोफथोरा से इन्फेक्ट और ज़्यादा करेगा, ज़्यादा पानी होगा तो हमारे सोइल के अंदर एयर कम होगी, एयर कम होगी तो ऑक्सीजन की डिप्लीशन होगी, ऑक्सीजन की डिप्लीशन होगी तो जू स्पोर्स जो स्पर्म्स हैं, ये समझ लीजिए स्पर्म्स हैं जू स्पोर्स फाइटोफथोरा के, जू स्पोर्स ज़्यादा पैदा होंगे, वो ज़्यादा रूट को इन्फेक्ट करेंगे और हमारा प्लांट डेड हो जाएगा। सेकंड थर्ड क्या है, सॉइल टेम्परेचर 15 डिग्री के आसपास अगर टेम्परेचर हमारा खेत का या मिट्टी का मिट्टी का टेम्परेचर अगर मेंटेन रहता है सर्दियों में, तो पल्मी वोरा और ये सेट्री फतोरा और निकोटिनी जो भी ये तीनों स्पीशीज है फाइटोफतोरा की, उनके चांसेस कम है हमारे पौधे को इन्फेक्ट करने के। तो ये चीज़ें मेंटेन हमें करनी है। और बाकी जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे कि इसकी क्या क्या रेमेडीज़ हैं, कैसे हम फाइटोफतोरा को 100% ख़त्म करना, किसान भाइयों फाइटोफतोरा को एक चैलेंज है, लेकिन हम उसको धीरे धीरे उसकी प्रोबेबिलिटी इन्फेस्टेशन रेट को कम कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में रेमेडीज़ के बारे में फाइटोफथोरा की पार्ट टू में बात करेंगे। अभी के लिए निष्कर्ष यही है कि अपना वाटर मैनेजमेंट ठीक रखिए। पौधा अगर स्वस्थ होगा आपका, न्यूट्रिएंट सारा बैलेंस में होगा, तो पौधे को फाइटोफथोरा कोई कुछ भी इन्फेक्ट नहीं कर सकता। अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन की असिमिलेशन रेट हमारे प्लांट में ठीक है, जितने न्यूट्रिएंट्स हम उसको प्लांट को दे रहे हैं वो ठीक है, सोइल टेस्टिंग के बाद, लीफ एनालिसिस के बाद, जितने भी मिनरल्स जैसे फॉस्फोरस है, अपना नाइट्रोजन है, पोटाश है, मोलिब्डेनम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, ये ऑलरेडी सब मेंटेन है, तो फाइटोफथोरा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि प्लांट के पास ऐसा अपना खुद का इम्यून सिस्टम है जो बीमारी से लड़ने में कारगर होता है। तो बेटर ये है बूंद से सिंचाई करें, मतलब ड्रिप इरिगेशन फॉलो करें। उसका कारण ये है कि जैसे हम अपने स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही जो फाइटोफथोरा है जू स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। अगर हम खुला पानी लगाते हैं तो वो, अगर फाइटोफथोरा हमारे एक प्लांट में है तो वो आसानी से दूसरे प्लांट में चली जाएगी, अगर हमारा ड्रिप इरिगेशन नहीं होगा, फ्लडी होगा तो जू स्पोर्ट्स मूवमेंट करेगा ही करेगा। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, आप ये सीज़न देख सकते हैं, ग्यूमोसिस जो है ये काफ़ी बाद की स्टेजेस हैं, तो ये आप उससे पहचान सकते हैं। जो अभी लेटेस्ट टेस्ट होने लगे हैं वो है एलिसा, ये लैब में होते हैं, अभी यहाँ हमारे शायद अवेलेबल नहीं है, आने वाले 6 महीने 8 महीने में हम
कोई ना कोई जुगाड़ लगा रहे हैं कि एलिसा से हम प्रशिक्षण कर सकें। वाकई ये फाइटोपोटोरा का इसमें कितना इन्फेक्शन है, क्या हम फाइटोपोटोरा के लिए कौन कौन सी जो रेमेडीज़ हैं वो अपना सकते हैं, वो सब एलिसा के बाद ही हम कह सकते हैं कितने नंबर ऑफ प्रोपिग्यूल हैं पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से फाइटोपोटोरा का इन्फेस्टेशन रेट उससे निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आप फाइटोपोटोरा से घबराइए नहीं, इसका सॉल्यूशन है, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है और सारा डिटेल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।